जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है भाई सबसे वायरल टॉपिक जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, और गर्मियों में ये टॉपिक खत्म ही नहीं होता है, वो है टैनिंग, चेहरा डल हो जाना, चेहरे पर ग्लो नहीं आ रहा वगैरह वगैरह। और खास तौर पे अगर आप कहीं बाहर घूमने चले आते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आपकी स्किन बड़ी बुरी तरह से टैन होती है, चाहे आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, फिर भी 19-20 का फर्क आपकी स्किन में आ ही जाता है। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इवन जो घर पे रहते हैं, क्योंकि हम उन महिलाओं की भी बात करें जो किचन में काम करती हैं, ऑफ कोर्स वो काफ़ी हीट के अंदर काम कर रही होती है और टेम्परेचर काफ़ी होता है किचन का उस वक्त, उसकी वजह से भी स्किन डल और टैन हो जाती है, तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है वीडियो। जो मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूअर्स मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो नहीं जानते मेरे बारे में, हाय, आई एम डॉक्टर शाइस्ता खान, और इस चैनल पर आपको ज्यादातर जो वीडियोस मिलेंगी वो जनरल हेल्थ टॉपिक्स में मिलेंगी, होम रेमेडीज के बारे में मिलेंगी और कॉस्मेटोलॉजी के बारे में मिलेंगी। तो जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके बारे में भी वीडियोस मिलेंगी आपको, सीरम्स, क्रीम्स या जो भी हेयर ऑयल वगैरह या जो भी अन्य चीजें जो कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड है उनके रिव्यूज, उनके बारे में जानकारी मैं देती रहती हूँ। साथ ही साथ ऐसी होम रेमेडीज जो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको यही नॉलेज मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो पहला हीरो इंग्रेडिएंट हमारा होने वाला है वो है चावल का आटा। आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मैम क्या इस पर कोई वीडियो आप बना सकती हैं और इसकी डिटेल हमें बता सकती हैं, तो आज वही वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, चावल के आटे में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिंस भी होते हैं और फॉलिक एसिड्स भी होते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपने कोजिक एसिड वाली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि चावल को ही फर्मेंट करके और उसको प्रोसेस करने के बाद कोजिक एसिड बनाया जाता है। चावल को एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर भी माना जाता है, तो चेहरे की रंगत खास तौर पर और चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए इसको बहुत ज्यादा यूजफुल माना गया। आमतौर पर जब मैं एक्सफोलिएशन की बात करती हूँ तो कॉस्मेटोलॉजी के अंडर जब बात आती है तो मैं ग्लाइकोलिक एसिड की बात करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको ग्लाइकोलिक एसिड सूट नहीं करता, इरिटेशन हो जाती है, कई बार जलन हो जाती है, तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ये चावल का आटा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि जिन लोगों की स्किन टैन हुई है, आपको लगता है कि पहले स्किन हमारी काफी फेयर थी लेकिन अब और डल होती जा रही है, डार्क होती जा रही है, आप चावल का आटा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए। अब ये तो हमें पता चल गया है कि चावल का आटा इन सब चीजों में काम करता है, लेकिन इसको ठीक तरीके से यूज कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 दोनों आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं, हमें लेना है चावल का आटा और सेकंड इंग्रेडिएंट होने वाला है कच्चा दूध। कच्चा दूध भी एक्सफोलिएशन के लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, तो ये तो हमें यूज़ करना ही करना है। अगर आपको किसी कारण से कच्चा दूध सूट नहीं करता है, आप गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में गुलाब जल चेहरे पर बेहतरीन ताजगी लेकर आता है और स्किन बहुत खिली खिली लगती है, और ख़ासतौर पर जिनको ओपन पोर्स की समस्या है उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आपको लेना है 1 चम्मच चावल का आटा और उसके अंदर आप जितनी मात्रा में, जितनी कंसिस्टेंसी आपको फेस पैक की या उस फेशियल की रखनी है, उतना ही दूध ऐड कीजिए कच्चा। आप चाहे तो 2 चम्मच ऐड कर लीजिए, चाहे तो 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। उसे अच्छे से मिक्स करना है, चेहरे पर लगाना है, 15 से 20 मिनट के लिए रहने दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना मत भूलिएगा ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। ये जो आपका पहला फॉर्मूला है ये होने वाला है खास तौर पर टैनिंग के लिए। जिनकी स्किन टैन हो गई है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, वो इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। सिर्फ एक बार के यूज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले ने आपके चेहरे पर कितना ज़बरदस्त काम किया है। अब बढ़ते हैं दूसरी फॉर्मूलेशन की तरफ। जो लोग चाहते हैं कि चेहरे पर रंगत भी साफ हो प्लस ग्लो भी आए, तो वो क्या कर सकते हैं, चावल का आटा और जो हमारा कच्चा दूध है वो सेम रहने वाला है। एक इंग्रेडिएंट आपको और चाहिए, वो है हनी, शहद। 1 चम्मच हनी शहद इसके अंदर और मिक्स कर दीजिए। शहद जो होता है चेहरे को नेचुरल ग्लो देने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। आप सिर्फ कभी शहद ही चेहरे पर लगा के देख लीजिएगा, उससे भी चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। बट क्योंकि स्किन टैन है या दाग धब्बे हैं तो उसमें हमें हनी भी ऐड करना है। ये भी आप हफ्ते में एक बार अप्लाई कर सकते हैं, और जो पहले वाला फॉर्मूला है वो भी आप वीक में एक बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। या कभी आपको लग रहा है कि आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना है या थोड़ा आपको एक स्पेशल अपीयरेंस रखनी है अपनी,
तब आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, पहला या दूसरा। मैंने आपको दोनों के यूजेस बता दिए हैं, अकॉर्डिंगली यूज कीजिएगा। तो जो वीडियो थी भाई ये इसी वजह से होने वाली थी क्योंकि आप सबके सवालों के ऊपर ही मेरी वीडियोस होती हैं। आप चाहें तो और ज्यादा जो भी आप देखना चाहते हैं आगे चैनल के ऊपर वो शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी बीमारी के बारे में हो, चाहे वो किसी होम रेमेडी के बारे में हो, या फिर किसी क्रीम या कोई भी आपको मेरे से रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।